लोटस प्रेगनेंसी केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे पीसीओडी और पीसीओएस के लक्षणों से राहत पाने के लिए रूटीन में करें ये 5 छोटे से बदलाव, मिलेगा आपको फायदा। तो कौन से बदलाव करने हैं, कैसे करने हैं, मैं आपको बता रहा हूं। आपको सिर्फ इतना करना है कि हमारा चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन की घंटी बजा देनी है जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। साथ ही वीडियो लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। महिलाओं को अक्सर पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या हो जाती है। असंतुलित हार्मोन, खराब खान पान, अव्यवस्थित जीवन शैली और तनाव के कारण इसके लक्षण ज्यादा बढ़ते हैं। महिलाओं को पीसीओडी और पीसीओएस होने पर कई तरह के समस्या होती है, जैसे वजन बढ़ना, अनियमित पीरियड्स, अनचाहे बाल और कंसीव करने में भी दिक्कत हो सकती है। पीसीओडी और पीसीओएस हार्मोन इनबैलेंस के कारण होती है। इस दौरान कई बार बेली फैट बढ़ता है और क्रेविंग्स भी ज्यादा होती है। एक बार ये समस्या होने पर ठीक होने में काफी समय लगता है। पीसीओडी और पीसीओएस होने पर दवाइयों के सेवन के साथ डाइट और लाइफस्टाइल में कई तरह के बदलाव करने चाहिए जिससे इस समस्या से जल्दी राहत मिल सके। सुबह पानी पिए। पीसीओडी और पीसीओएस के लक्षणों में राहत पाने के लिए सुबह उठने के बाद 2 ग्लास पानी अवश्य पीना चाहिए। ऐसा करने से पाचन तंत्र मजबूत होने के साथ पेट साफ होने में मदद मिलती है। सुबह पानी पीने से कब्ज की समस्या में राहत मिलती है और मेटाबॉलिज्म में तेज होता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज। पीसीओडी और पीसीओएस के लक्षणों से राहत पाने के लिए सुबह ऐसी जगह बैठकर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें जहां शांति के साथ हवा भी आती हो। ऐसा करने से तनाव का स्तर कम होने के साथ मन को शांति मिलती है। ऐसा करने से मूड बेहतर होता है और मानसिक शांति मिलती है। धूप में बैठें। आज के समय में अक्सर लोग धूप में बैठना पसंद नहीं करते। धूप शरीर के लिए बहुत जरूरी होती है। पीसीओडी और पीसीओएस के लक्षणों से राहत पाने के लिए असंतुलित हार्मोन को ठीक करने के लिए रोज सुबह 10 से 15 मिनट के लिए हल्की धूप में बैठें। आजकल की दोपहर वाली धूप में नहीं बैठना है आपको, मॉर्निंग जो 7 बजे धूप होती है उसमें आप बैठ सकते हैं। ऐसा करने से शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। पीसीओडी और पीसीओएस के लक्षणों से राहत पाने के लिए फल खाना जरूरी होता है। फल में मौजूदा विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। ऐसे में दिन में 2 मौसमी फल अवश्य खाना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड का सेवन बंद कर दें। पीसीओडी और पीसीओएस के लक्षणों से राहत पाने के लिए गलती से भी प्रोसेस्ड फूड का सेवन ना करें। प्रोसेस्ड फूड वजन बढ़ाने के साथ शरीर के लिए हानिकारक होता है। प्रोसेस्ड फूड जैसे रिफाइंड ऑयल, मैदा और रिफाइंड शुगर को डाइट में शामिल करने से बचना चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।